तो क्या होगा अगर एक इंडियन टेकी यानी कि भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर दुनिया के सबसे ताकतवर बॉडी बिल्डर्स में से एक के साथ पंजा लड़ाएगा, तो यानी कि आर्म रेसलिंग करेगा, तो क्या होगा? ये सोचने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं ये आपको अभी अपने चैनल पे लाइव दिखाने वाला हूं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए देखते हैं क्या होगा अगर एक कीबोर्ड पे उंगलियां चलाने वाला लोहा उठाने वाले से टकराएगा। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता है, चलता है, सब चलता है, ये दुनिया है। Let's see what happens next. इसको देख के, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। क्या फायदा हो इतने ज्यादा वेट लिफ्टिंग का, इसकी बॉडी देखिए लैरी व्हील्स की। और जो हमारे टैकी हैं, आर्म रेसलर भी है राहुल पानीकर, इनकी बॉडी देखिए। अच्छा से आर्म रेसलर ना मोर ऑफ लाइक दूसरे के मेंटल स्टेट पे, दूसरे के दिमाग पे कैसे असर डालना है उस पर भी डिपेंड। मतलब दो बार हार गए ये, स्टार्टिंग में दो बार हार चुके हैं। अब देखो, अब देखिए क्या होने वाला है। करिश्मा अमेजिंग, अमेजिंग, इतनी बॉडी होने के बावजूद लैरी व्हील्स की आर्म रेसलिंग में वो राहुल पानीकर को नहीं हरा पाए। इसकी वजह ये है कि राहुल पानीकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ एक आर्म रेसलर भी हैं। जी हाँ, राहुल पानीकर इंडिया के कोची से बिलोंग करते हैं। 31 इयर्स राहुल पानीकर एक प्रोफेशनल आर्म रेसलर भी हैं, हालांकि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। उनके फादर भी बेसिकली पावर लिफ्टिंग करते थे। उनके फैमिली में सब लोग फिटनेस इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं, फिटनेस इंडस्ट्री में ही हैं। तो राहुल पानीकर इज़ नॉट ओनली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि लैरी व्हील्स इज़ अ नोन बॉडी बिल्डर, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है वो वर्ल्ड में, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर्स हैं वो वर्ल्ड में। और कोई भी अगर इतना स्ट्रांग है जो इतना ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करता है, तो एक आर्म रेसलर से अगर वो हार जाए, वो भी 31 ईयर ओल्ड आर्म रेसलर जिसका वजन शायद 70-80 के बीच में होगा, उससे वो हार जाए, तो अपने आप में ये दर्शाता है कि इनकी मेंटल स्टेट कितनी स्ट्रांग है इन वर्ल्ड स्ट्रांगेस्ट बॉडी बिल्डर लैरी व्हील्स से। लैरी व्हील्स के बारे में शायद आपको पता होगा, जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनको तो पता होगा। हमारे देश में आजकल एक चलन चला हुआ है, हर आदमी अपने आप को बॉडी बिल्डर समझने लगा है, और वो बुलेट पर बैठ के तेज आवाज़ निकाल के आजकल आपकी कॉलोनीज में से निकलते हैं लड़के, यंग यंग लड़के हैं, वो वू वू पूरा बुलेट पे एकदम पूरा उसको रोल कर देते हैं एक्सेलेरेटर को पूरा थ्रॉटल देने के बाद, और इतने ज़्यादा साउंड क्रिएट करते हैं। इसके खिलाफ भी एक कानून होना चाहिए क्योंकि हम लोगों को नहीं सुननी है। वो अपने आप को शाहिद कपूर समझें, सैफ अली खान समझें, और एक ऐसे चलता है, कोई वैसे चलता है, एंड दे स्टार्ट बीइंग अग्रेसिव एज वेल, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर देते हैं, उनको प्रोटीन शेक्स वगैरह पिलाए जाते हैं कि उनकी बॉडी के साथ साथ उनका दिमाग भी कुछ ज़्यादा ही ओवरग्रो हो जाता है, अग्रेसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये उनके लिए एक सीख है कि यू हैव टू बी पावरफुल
फ्रॉम योर ब्रेन एज वेल। तो राहुल पैनिकर इज एन अननोन हीरो, मुझे लगा था कि इन पर एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। जो हमारे रील हीरो हैं उनकी सच्चाई तो हम धीरे धीरे देखने ही लगे हैं, कैसे वो हमारे इंडिया के ही खिलाफ हैं। ये हमारे इंडिया के लिए रियल जेम है, यानी कि रियल हीरोज़ हैं, इनको फेमस करना बनता है। तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, राहुल पैनिकर के लिए एक लाइक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।